उत्तर प्रदेश विच भाजपा नेता दारा सिंह चौहान ते एक नौजवान ने स्याही सुट दित्ती। घटना मऊ जिले दे आदरी इलाके विच वापरी जिथे दारा सिंह चोन प्रचार करन गए सन। जिवें ही दारा सिंह चौहान अपनी कार तो बाहर निकलिया तां कुछ लोगों ने उन्हां दा स्वागत करन लई हार पा दित्ते। इस दौरान एक व्यक्ति ने उन्हां ते स्याही सुट दित्ती। इस घटना नूं अंजाम देण तों बाद उक्त शख्स फरार हो गया। लोगों ने उसनूं फड़न दी कोशिश कीती पर उह भज्जण विच कामयाब रहा। दारा सिंह चौहान ने इस घटना की सूचना पुलिस नूं दित्ती है, जबकि पुलिस स्याही सुटन वाले नौजवान की भाल कर रही है। दूजे पासे भाजपा आगू दारा सिंह चौहान ने इस नूं विरोधी धिर दे लोकां दी साजिश करार दित्ता है। दस दईए कि दारा सिंह चौहान 2022 दे विच समाजवादी पार्टी की टिकट ते कोसी सीट तो चुने गए सन, पर पिछले महीने उन्होंने विधानसभा की मैंबरशिप तो अस्तीफा दे दिता और भाजपा विच शामिल हो गए। और जनवरी 2022 दे विच भाजपा तो समाजवादी पार्टी विच चले गए सन। और योगी आदित्यनाथ सरकार दे पहले कार्यकाल दे विच मंत्री भी रह चुके ने। थाना कोपागंज क्षेत्र के अदरी चौकी क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता गेट के पास माननीय दारा सिंह चौहान जो कि घोसी से भाजपा के प्रत्याशी, उनका स्वागत कुछ लोग कर रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे। उसी दौरान एक लड़के द्वारा, जिसका नाम मोनू यादव और डायमंड बताया जा रहा है, उसके द्वारा स्याही फेंकी गई। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीके से आज इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से को देख के पूरी तरीके से विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। और इसी बौखलाहट में ये विरोधी दल के जो कैंडिडेट हैं बौखलाहट में कि पूरी तरीके से 8 सितंबर को इनका सफाया होने जा रहा है घोसी से, इससे बौखला करके इस तरीके के कृत्य करने जा रहे हैं लोग। इससे पूरे घोसी विधानसभा या पूरे जनपद प्रदेश में इसको लेकर लोगों में गुस्सा है।